आइए चलते हैं वेलफेयर ऑफिसर के पास। तो सर एक इधर देखिएगा, जो बच्चों अभी पैनिक हो रहे हैं कि मतलब वो लोग जमा कर रहे हैं वेलफेयर ऑफिसर के पास और उसके बाद भी उनका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। बच्चे का वो तो जो बच्चे जमा कर रहे हैं उनके बाद स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या होगी सर? स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, 2-3 दिन बाद 72 घंटे बाद चेंज हो जाएगा। जैसे कॉलेज की तरफ से कहा गया फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब आपकी तरफ से लास्ट अपडेट करने की डेट मतलब 20 मार्च तक आप लोग चाहेंगे तो आप लोग अपना स्टेटस कंटिन्यू देखते रहिए कि कब आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। कार्य बहुत प्रगति पर हो रहा है, जैसे देखो स्कूल खुलेगा और स्पेशली बहुत से छात्रों ने जो देवरिया का समाज कल्याण विभाग है यहाँ के एक एक सदस्यों की बहुत ही तारीफ की है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है पूरे व्यूवर्स को वो सब देखिए। छात्र का जो है रीजन आएगा इसमें, रीजन पढ़ने के बाद ही उसको फॉरवर्ड करना है। जैसे एक बच्चे का यह है जी सर, उसका खोले देखो सामने क्या आ रहा है, रीजन रीजन करने लायक है या रीज करने लायक है, उस हिसाब से कर दिया जाता है। तकरीबन कितने छात्र होंगे सर आपके देवरिया सदन में? 1000 अभी 1000 बच्चे हैं, इसलिए आप पैनिक मत होइए, अपना बस स्टेटस कंटिन्यू देखते रहिए ताकि किस हिसाब से कब तक चेंज हो रहा है, पर 20 मार्च तक आप लोगों को अपना स्टेटस देखते रहना है। आइए दिखा देते हैं आपको। अब तुम जाओ, यहाँ क्यों आ गए? हो जाएगा ना, इतना हो रहा है। सर जैसे एक एग्जांपल दे दीजिएगा, इस बच्चे में क्या डिफॉल्ट था और क्या स्टेटस? प्रमोट हुआ था बच्चा, बच्चा ये प्रमोट हुआ है। एक बच्चे का सर्च किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे एग्जांपल के बेस पे ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब इसका देखिए Thank you.